अस्सलाम वालेकुम। यूएई में वापस आने के लिए आपने जो आईसी स्मार्ट फॉर्म फिल करना है उसका एड्रेस ये है uaeentryica.gov.ae। इस पर आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने एमर्स आईडी देनी है, एमर्स आईडी का नंबर, और नीचे आपने लिखना है पासपोर्ट नंबर, उसके बाद नेशनैलिटी आपकी जो भी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल है 1, नेशनैलिटी जो भी आपने वो आपने चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद चेक पे क्लिक करना है। ये लिखा हुआ आ रहा है, डियर वैल्यूड कस्टमर, यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स टू इंटर द कंट्री। इट्स मीन आप वापस यूएई में इंटर हो सकते हैं। अभी दूसरी हम आईडी और पासपोर्ट चेक करते हैं। ये पासपोर्ट नंबर इंटर किया, ये किसी दूसरे बंदे की आईडी है, ये इंटर किया। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल ऑर्डिनरी और कंट्री पाकिस्तान है, यहाँ पे क्लिक किया, चेक पे क्लिक किया। जब ये क्रॉस आएगा इट्स मीन आप इधर वापस अभी नई अप्रूवल आपके नहीं आ सकती, आप नहीं आ सकते, ठीक है। ये दो इधर से आप चेक करने के लिए, अगर रेड है नहीं आ सकते, ग्रीन है तो आ सकते हैं, ठीक है। दुबई के लिए लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे लिंक। ये लिंक कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेजिडेंसी नंबर, ये वीज़ा नंबर है, ये वाला वीज़ा नंबर 201 दुबई वाला, ये आपने इधर इंटर करना है, जो भी आपका वीज़ा नंबर है। वीज़ा नंबर इंटर करने के बाद नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली उस बंदे की सारी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम, रेजिडेंसी, एक्सपायरी वगैरह। तो जिस कंट्री से आना है उसको सिलेक्ट करना है, अराइवल पोर्ट जहाँ पे आपने लैंड करना है उसका, सिटी का नाम, इस जगह पे ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे क्लिक करके, इधर क्लिक करके आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी, ईमेल में ऐसे लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, हैज़ बीन मार्क इन प्रोसेस, मीन अंडर प्रोसेस है, ठीक है। अगर अप्रूव हो गया तो आपको दोबारा कंफर्मेशन की मेल आ जाएगी। ये तरीका है दुबई का और आईसीए स्मार्ट सर्विस में, बाकी जितनी भी एमिरेट्स के स्टेट हैं उनका इधर से अप्लाई करना है, सिर्फ दुबई का जिनका वीज़ा है उन्होंने GDRF से अप्लाई करना है। ओके, शुक्रिया।